समीपस्थ ग्राम कुर्रा में जल आवर्धन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी टंकी की गुणवत्ता को लेकर अब जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने ठेकेदार के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उक्त पानी का निर्माण जिस तरह से कराया गया है उसमें गुणवत्ता को लेकर कोई भी ध्यान विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया है। यही कारण है कि ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितता इस टंकी निर्माण में किया गया है। DNX TV रिपोर्टर ने अपने रिपोर्टिंग में पाया कि पानी टंकी के ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियां तिरछी हैं। नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर टंकी की ओर बढ़ते हैं हर सीढ़ी की साइज में आपको इंच इंच की कमी देखने को मिलेगी। सीढ़ियां तिरछी भी बनी हुई हैं। वहीं सीढ़ी के दोनों साइड में लगे रेलिंग अभी से हिल रहे हैं। वहीं पानी भरवा के लिए बने टंकी में अभी से पानी की सीपेज की समस्या देखने को मिल रही है। जैसे ही इसमें पानी भरा जाता है पानी रिस कर नीचे आ जाता है, जिससे गांव के सरपंच गोवर्धन तारक सहित अन्य दूसरे ग्रामीण व जनप्रतिनिधि पानी की टंकी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सभी ने आरोप लगाया है कि पानी टंकी के निर्माण में भारी कोताही बरती गई है, जिसके चलते ऐसी समस्याएं आज देखने को मिल रही है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे सुमित सिन्हा ने बताया कि टंकी की गुणवत्ता बिल्कुल न्यूनतम क्वालिटी की है। पानी टंकी की आखिरी सीढ़ी तो ऐसे है कि आप उसमें पैर भी नहीं रख पाएंगे। वहीं सुरक्षा के लिए लगा रेलिंग भी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी व ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस ओर ध्यान दे। हम सब की यही मांग है कि इस टंकी को फिर से बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कार्य टंकी में निर्माण हुआ है वह काफ़ी गुणवत्ताहीन का है। गांव में ही रहने वाले मोतीलाल साहू ने बताया कि सीढ़ियों में क्रेक है, पानी टंकी से टेस्टिंग के दौरान ही सीपेज हो रहा है। ऐसे में कल के दिन में इससे गंभीर दुर्घटना घटित होने की आशंका भी बनी हुई है। अतः शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि पानी टंकी का पुनर्निर्माण किया जाए। गांव के वर्तमान सरपंच वर्धन तारक ने भी ग्रामीणों की तरह इसे गुणवत्ताहीन बताया है और मांग की है कि इसे तोड़कर फिर से नया पानी टंकी बनाया जाए। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष भाजपा शासनकाल में ग्रामीणों की मांग पर तत्कालीन मंत्री ने यहां पर ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नल जल आवर्धन योजना के अंतर्गत लगभग 49 लाख रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की, जो बाद में संशोधित होकर 37 लाख रुपए हो गई, जिसमें लगभग 13 लाख रुपए की राशि से पानी टंकी का निर्माण हुआ। बाकी शेष राशि से गांव में पाइपलाइन बिछाने का कार्य हुआ। इस पानी टंकी की कुल पानी भारक क्षमता लगभग 1.5 लाख लीटर होगी, जिससे ग्रामवासियों को पूरी तरह से पानी की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन ग्रामीणों की यह आस अभी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि पानी टंकी के निर्माण में जो गुणवत्ताहीन काम हुआ है उसका नतीजा अभी से टेस्टिंग के दौरान सीपेज के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सभी ने इसके जांच कर और कड़ी कार्रवाई की मांग शासन प्रशासन से की है। ज्ञात हो कि किसी योजना के अंतर्गत कितनी राशि की कौन ठेकेदार द्वारा निर्माण आदि से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिस पर भी ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है कि सूचना बोर्ड क्यों विभाग द्वारा नहीं लगाया गया है, काम पूर्ण होने के बाद इसे लगाने का क्या मतलब होगा। अगर गांव में कुछ काम हो रहा है तो उसकी पूर्ण जानकारी होना उनका मौलिक अधिकार है। सभी ग्रामवासियों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस कार्य के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु सूचना बोर्ड लगाया जाए। इस मामले पर जब DNX रिपोर्टर विश्वेश्वर हिरवानी ने PHE विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर दीपक कोहली से बात की तो उन्होंने कहा कि जब टंकी नई होती है तो अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। ठेकेदार जब तक अच्छे से काम करके नहीं देगा उसे भुगतान नहीं किया जाएगा। काम की गुणवत्ता की शिकायत पर मैंने ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया है, मैं खुद आकर उसकी जांच करूंगा। वहीं इस मामले में ठेकेदार ने ग्रामीणों की गुणवत्ताहीन वाली बात को नकार दिया। कहा कि काम पूरा होने को है लेकिन अभी तक हमने भुगतान का 1 रुपये भी नहीं लिया है। सीढ़ियों व रेलिंग की गुणवत्ता पर जानकारी लेने पर ठेकेदार ने कहा कि जैसा ड्राइंग अधिकारियों द्वारा दिया गया है वैसे ही काम किया गया, वैसे भी सीढ़ियों में बार बार आना जाना कोई नहीं करेगा। DNX TV के लिए
नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। ऐसे जो ग्रिल लगे हैं आप देख सकते हैं ये काफी कमजोर है, इसकी भी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। शायद यही कारण है कि ग्रामीणों को अब इसमें और इस पानी टंकी से खतरा नजर आ रहा है। वैसे तो जल आवर्धन योजना के अंतर्गत लाखों रुपए की राशि से इस पानी टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन फिर से गुणवत्ताहीन होने के चलते ये अब गांव वालों के लिए मुसीबत भी बनते जा रहा है। वो सीढ़ी है जो पूरी तरह से तिरछा नजर आता है, और इसका कारण जो है क्योंकि दो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर काम किया है, शायद इसका कारण बता रहे हैं लोग, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि इसका निर्माण हम नहीं किए हैं, हमने तो ऊपर का काम किया है, ऊपर वाले कह रहे हैं कि हम नीचे का। और कुल मिलाकर सरकार की इस राशि का देखिए किस तरीके से दुरुपयोग हुआ कि कहीं पे सीढ़ी बहुत सक्रिय है तो कहीं पर चौड़ी है लेकिन तिरछी है। इस तरीके से जो ऊपर जाने वाले कर्मचारी रहेंगे उन्हें भी इस पर खतरा रहेगा, काफी खतरा साबित हो सकता है, ये उतना गुणवत्ताहीन नहीं है जितना होना चाहिए था, इसे देख सकते हैं। हमारे साथ इस गांव के मुखिया सरपंच गोवर्धन तारक जी हैं। जी तारक जी, इस पानी टंकी के निर्माण व गुणवत्ता के संबंध में आपका क्या कहना है? सर, पानी टंकी जो बना है ना तो इसमें गुणवत्ता है ही नहीं है जी। जो जब पानी टंकी बनी इस ना तो मैं पानी चालू करी तो पानी डालना रही इसे, मन पानी तो डाले नहीं और रोज सेंटिंग करे, रोज खोले और रोज ढलाई करे, ये कारण पानी में टंकी में कोई गुणवत्ता नहीं है और रेलिंग तो एकदम खराब हो गए, एक साइड हो गए, इसको तो तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा जी। तो आपका मानना है कि पूरी तरह से गुणवत्ताहीन काम यहाँ पर हुआ है? हाँ, बिना गुणवत्ता है ही नहीं है और तो काम ठीक से हुआ नहीं, कभी भी टंकी गिर सकते और उसको फिर से तोड़ कर बनाया जाए। हमारे गांव वाले और मोरो भी यही कहना है जी, टंकी फिर से तोड़कर नया बनाया जा। पूरा गांव से मोतीलाल साहू जी हैं जो यहां के निवासी हैं। जी बताइए साहू जी, क्या समस्या आप इस पानी टंकी में देख पा रहे हैं? इस पानी टंकी में अभी मैं ऊपर चढ़ा था तो बीच बीच में सीढ़िया में भी क्रेक आ चुका है जी, और जो लास्ट सीढ़िया भी है 9-10 इंच का जो मतलब उसमें बना रहता है जिसे पैर रखने का, वो 4 इंच का हुआ है जी, जिसमें ढंग से पैर भी नहीं मारता। अच्छा, और ऊपर और चढ़ने के बाद भी पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ तो जो गोलाई का जो मतलब टंकी बना हुआ है उसमें भी किनारा से मतलब वो सीपेज निकल रहा है, पानी निकल रहा है, मैं अभी अपने आंखों से देखा हूँ। और इस संबंध में मैं शासन प्रशासन से विशेष जाँच की मतलब कामना करता हूँ कि मतलब विशेष जाँच करें जी, और मेरी माने तो इसको तोड़कर नया बनाया जाए जी, और जो ठेकेदार जो बनाया हुआ है और इसकी गुणवत्ता का भी मतलब जांच कराए शासन प्रशासन। मतलब आप सभी ग्रामीण यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जो नव निर्माणाधीन जल आवर्धन योजना के तहत पानी टंकी बना है इसका जांच हो, और जांच होने के बाद जहां मतलब कोई गड़बड़ी किया है उसके बाद उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए जी। हमारे साथ इस गाँव के निवासी सुमित सिन्हा है जो एक्टिव युवा है, और वो आज इस पानी टंकी निर्माण से संबंधित बातों से अवगत कराएंगे। जी सिन्हा जी, बताइए किस तरह से निर्माण हो रहा है? जी, मैं ग्राम कुर्रा का निवासी हूँ, सुमित सिन्हा जी, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं हम लोग जी, और गांव के छोटे मोटे एक युवा नेता होने के नाते जी जो भी समस्या होती है ग्रामवासी आते हैं मेरे पास जी, बताते हैं जरूर जी। और ये जलावर्धन योजना के तहत जी भाजपा शासन काल में ही जी इसकी स्वीकृति हो गई थी जी, और उस समय 49 लाख का इसका बजट बताया गया था जी जी, जो बाद में अभी मेरे को भी उसकी जानकारी उतनी नहीं है जी, और जल आवर्धन योजना के तहत इसका निर्माण होना था और ये निर्माण हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है जी। और इसका जब ये शुरुआत हुआ था निर्माण का जी, तो मैं भी निरीक्षण करने आता था बीच बीच में जी, और उस टाइम जब मैं उस समय देखा तो सब ठीक था, निर्माण बेस का निर्माण जो है वो सही हो रहा था जी। लेकिन उसके बाद मैं भी मेरा आना कम हुआ यहाँ इस तरफ, और ग्रामवासियों ने जो उतनी जानकारी नहीं दी जी, तो और चुनाव वगैरह के चलते जी बीच में ध्यान नहीं दे पाए जी। तो अभी कैसा है काम इसका कैसा अभी है? तो जैसे हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जी, गुणवत्ता इसकी बिल्कुल न्यूनतम है जी, और गुणवत्ता के लेके ही ग्रामवासियों ने सवाल उठाया, मेरे पास आए जी, और सरपंच महोदय के पास गए, सरपंच महोदय अभी क्या क्या गुणवत्ता है इसमें देख रहे हैं आप? इसमें गुणवत्ता को लेके एक यह है कि जो इसकी सीढ़ियां बनी हैं जी, सीढ़ियां आप देख सकते हैं, और जो सीढ़ियों पे जो पिलर निकला हुआ है जी जी,
और जो रेलिंग लगा हुआ है जी, ये दोनों बहुत ही न्यूनतम क्वालिटी है, बहुत ही न्यूनतम गुणवत्ता है इसके जी। और उसके बाद जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो जो आखिरी सीढ़ी है इसकी जी, जी। वो उसमें आपका पूरा पैर भी नहीं रखाएगा जी, बिल्कुल इतना छोटा बना हुआ है वो, आप भी देखे हैं। और उसके बाद जब हम टंकी में चढ़ते हैं जी, तो टंकी में जो पानी भरते हैं जी, तो उसमें भी सिपेज आ रहा था जी, पानी बाहर आ रहा था। तो अभी क्या चाहते हैं आप सभी लोग? अभी हम ये चाहते हैं कि टंकी का पुनर्निर्माण हो जी, और उसके उससे नीचे का काम नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, उससे नीचे का काम स्वीकार्य नहीं जी। टंकी का पुनर्निर्माण चाहते हैं जी, जो शासन प्रशासन अधिकारी और जो ठेकेदार है जी, सब उनकी जिम्मेदारी जी। धन्यवाद।